नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। काश एक दिन ऐसा भी आए हम तेरी बाहों में समा जाए, सिर्फ हम हो और तुम हो और वक्त ही ठहर जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के रियल राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जो अपने में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। अगर आप भी कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो, कोई सक्सेस चाहते हो, तो हिम्मत मत हारना, आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। हमने तो सच्चे किस्से शराब खाने में सुने, वो भी हाथों में जाम लेकर, और हमने तो झूठे किस्से अदालत में भी सुने हैं, वो भी गीता और कुरान लेकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। आपको भी वक्त पर एतबार करना चाहिए कि एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा। अगर ऐसी सोच होगी तो जरूर आएगा। जिंदगी में जीत और हार है किसके लिए, एक दूसरे में इतनी तकरार है किसके लिए। जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा। इंसान तो तुझे इतना गुमान है किसके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताया तो हिजाब के लिए जो है लकी कलर जो बन रहा है वो रहेगा आज का ग्रीन, यानी कि हरा कलर। आप डार्क ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्यशाली अंक रहेगा आज के लिए नंबर 8। ग्रहों की आज जो है कहती है कि आज का दिन कई मायनों में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। काम में सफलता भी मिल सकती है और लंबे समय से चले आ रहे किसी जो प्रोजेक्ट था वो आज कंप्लीट हो सकता है, यानी कि कई लोगों का टारगेट कंप्लीट होगा तो कई लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होते नज़र आएंगे। आज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हाँ, स्टूडेंट्स जो है अपने असाइनमेंट्स आज सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन अपने काम को अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स से भागने का जरिया मत बनाइएगा। जो भी परेशानी हो उसका सामना करें, परिस्थितियां जो है जल्दी ही सामान्य होती नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज का भी। साथ ही में आज इदारे ये भी कहते हैं कि आज अगर अदालत में मामला चल रहा है तो आपको जो है बहुत ही पॉजिटिव समाचार मिल सकता है इससे रिलेटेड। वहीं इंटर्नशिप कर रहे लोगों को जॉब के मामलों में प्रगति देखने को मिल सकती है। साथ ही में ललाट या कनपट्टी में आज खिंचाव थोड़ा बहुत रह सकता है। ज़्यादातर जो अगर आप बिजी रहेंगे उसके कारण घर में आप समय स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने बहुत से इंपॉर्टेंट काम निपटाने में सफलता हासिल कर पाएंगे। वहीं आज आपकी मेहनत और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सफलता बहुत नज़दीक आएगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करते हैं, सबके लिए आज बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा। हर बात को आज गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आज नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, वरना मान हानि हो सकती है। बच्चों की तरफ से भी कोई आज खास तनाव नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस आपको अपने माता पिता का थोड़ा सेहत का ध्यान रखना होगा। आज आपके काम जो है वो समय पर कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ज़रूर खरीदिए, बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा, सब मंगलमय होगा। किसी भी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा, और हाँ, जिससे जो है आपके जो पॉजिटिव थॉट्स बनते चले जाएंगे, काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिल सकती है उनसे। आज का दिन मन में कुछ चिंताएं भी बनी हो सकती है, ऐसा आप में से कुछ लोगों को ही होगा, जिसके कारण जो है काम में फोकस बिगड़ सकता है। इसी की बात को बस दिल पे मत लगाइएगा, बाकी जो दिन बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट लाभदायक यात्राएं भी आपकी जो है संपन्न हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं। ग्रह गोचर ये भी कहता है कि भाग्य जो है आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए समय का जो है आपको भरपूर मात्रा में जो है सहयोग करना चाहिए। आज इनकम के रास्ते खुलेंगे, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, किसी तरह का लाभ मिल सकता है, माता पिता से काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं आज आपको ध्यान भी रखना है कि फिजूल की गतिविधियों में ज़्यादा समय मत आज जो है स्पेंड मत कीजिएगा, बल्कि इम्पॉर्टेंट काम में जो है आपको ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में मान सम्मान तो मिलेगा ही, बाकी जो है बस संबंध बनाकर अच्छे से रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है।
वहीं आज बिजनेस और करियर की बात करें तो आज व्यवसायिक स्थल पर किसी भी तरह का इम्पॉर्टेंट फैसला जो है सोच समझ कर लीजिएगा। आज जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको ज़रा ध्यान में रखिए, तभी कोई फैसला करें। काम को लेकर कोई इम्पॉर्टेंट जो है आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही है, जैसा कि नक्षत्र कहते हैं। साथ ही में आज किसी की निंदा मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उसका ऐसा होता है कि दूसरों के घर पर झाड़ू लगाकर वो जो उनका कचरा है अपने ओर ले जाते हैं, यानी कि आप पाप के भागी बनते हैं, इसलिए निंदा मत कीजिएगा। वहीं आपकी योग्यता और मेहनत में कोई कमी नहीं है, बाकी जो है आत्मविश्वास आपको बढ़ाकर रखना होगा। साथ ही में आज जो है कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कुछ वो उन्होंने गलत कर दिया, उनसे कुछ हो नहीं पाया ठीक से जैसा आप चाहते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। बस तनाव मत लीजिएगा, हल निकल आएगा, ज़रा सूझबूझ से काम करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज ऑफिस पर काम जो है वो भी करना पड़ सकता है, ऑफिस का काम घर पर करना पड़ सकता है। वहीं आज आपका कौशल और आपका सफलता जो है आपको बहुत ही आगे तक लेकर जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट पर यकीन मानिए, पूरा भरोसा रखें, सब कुछ आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। और हाँ, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा सीखते रहिएगा। साथ में आज आपको अपने लिए हर जो सिचुएशन है उसके लिए तैयारी भी रखनी होगी, ताकि आप जो है वर्सटैलिटी दिखा सके, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के जो संबंध हैं वो नॉर्मल रहेंगे, आज के दिन सब कुछ नॉर्मल है। मित्रों के साथ भी समय आप काफ़ी स्पेंड कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होगा। आज किसी नए व्यक्तियों से भी मुलाकात हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की। शादी के मामलों में चर्चा हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। जब तक रिश्तों में पारदर्शिता नहीं आएगी तो गहराई तो नहीं होगी, इसीलिए एक दूसरे से कुछ भी मत छुपाइएगा। हमेशा जो एक शीशे की तरह साफ रखिए आप एक दूसरे को, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। रिश्ते में भी कोई कमी नहीं आ रही है, बस अपनी सोच को बदलना है, बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। साथ ही में पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा, मनोरंजन आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत कर पाएंगे। आज घर बैठे बच्चों का दिल लगाने के लिए ज़रा गेम्स खेलिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका भी समय अच्छे से स्पेंड होता नज़र आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो आज जो है स्वास्थ्य कहता है कि आज पारिवारिक माहौल में कुछ तो है थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली अपने माता पिता का। खाने पीने को चीज़ों पर मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा लगान लगाइए, ज़्यादा ऑयली फूड मत कीजिए। जो दूध मलाई चीज़ें होती हैं भारी, उसका रात में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो पचती नहीं है, इसलिए इस पर चीज़ पर फोकस करिएगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलती नज़र आ रही है और पेट में कुछ परेशानियाँ वो भी ख़त्म हो सकती हैं अगर आप नियमित डाइट लेते हैं। और हाँ, गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना मानसिक अशांति बढ़ सकती है, इसलिए जो है हमेशा ठंडे स्वभाव में ही रहना सीखिए। तो चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज विशेष उपाय आपका कहता है कि आज आपको जो है बजरंग बाण का पाठ पढ़ना चाहिए। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो आपको जो है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कोई भी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर दुर्गा माता का आप कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, तो इस मंत्र का जो है आप 21 बार 51 बार आप जाप करें तो बहुत ही अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।